अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, आज हम जो आए हैं राइस एसएस राइस मिल पे आए हैं, जो कि उसकी शॉप पे जो कि अवेलेबल है एमएजिना रोड टेक्सटाइल प्लाजा 5th फ्लोर पे। चलें आए अंदर चलें। आज हम यहाँ मालूम करते हैं कि क्या क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मार्केट में इतने सारे चावल अवेलेबल हैं इस टाइम। जी जी ठीक है, तो क्या क्या फ़र्क है हमारे पास, आपके पास टाइम कौन कौन सी क्वालिटी के चावल हैं और क्या हैं, अगर आप बता दें। मैं आपको बताता हूँ, चावल हमारे पास यानी कि जो मार्केट में रनिंग में होते हैं, जो अच्छे चावल होते हैं, जो मतलब रेगुलर यूज में आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास मतलब ज्यादा क्वालिटी नहीं है, मगर वो क्वालिटीज हैं जो ज्यादा चलती हैं, लोगों के इस्तेमाल में आती है ज्यादातर। अच्छा ताहिर भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्या ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है चावल? ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है हमारे पास, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो मैं आपको बताऊंगा, ये हमारे रेगुलर यूज के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, हम अच्छी चीज रखते हैं मतलब। तो आप मार्केट में जाएंगे आपको 20 किस्म के चावल मिलेंगे, लेकिन जी, आपके जो इस्तेमाल में नहीं आते हैं आप नहीं रखते। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको हमारे पास देखे सेला है, सेले में हमारे पास 3 क्वालिटी है ठीक है। इसमें एक एक्सपोर्ट क्वालिटी है हमारी, जो एक्स्ट्रा लॉन्ग आता है, ये है देखें, ये अल्टीमेट सेला है। अच्छा, अल्टीमेट के नाम से ट्रिपल एक्सएल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लॉन्ग होता है, ये सही इतना ही लंबा होता है, वो खाने में ये इस तरह जैसे कि बासमती पकते इस तरीके का ये। अच्छा जी हाँ, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, खुशबू भी अच्छी है। और इसके अलावा और क्वालिटी? इसके बाद जो क्वालिटी दूसरे नंबर पर आती है जी जी, ये हमारा प्लैटिनम सेल है, ये भी पकने में लंबा भी होता है, मतलब ये भी अच्छा है, थोड़ा 19-20 फर्क है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। एक्सपोर्ट क्वालिटी के बाद इसका नंबर आता है। अच्छा, फर्स्ट के बाद सेकंड पे ये आता है? जी ये आता है। चलो सही, ये अमूमन पकवान वगैरह पर भी ये पकाए जाते हैं, अच्छे बनते हैं। अच्छा, ये शादी ब्याह में जो स्पेशल ऑर्डर होते हैं, कमर्शियल जो इस्तेमाल में। चलो सही 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 सही। उसके बाद आप आ जाए नॉर्मल यूज जो होता है ना सेल, जो घर के लिए यूज हमारे घर के लिए जी जी, गोल्ड सेल है हमारे पास। अच्छा गोल्ड सेल ये है, ये भी रिजनेबल है, बहुत प्राइस में भी बहुत रिजनेबल है और क्वालिटी में भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी जी, थर्ड नंबर पे ये आता है हमारे पास, ये हमारे मतलब ऐसे ही के मतलब जो रेगुलर यूज होते हैं ना घरों में जी जी, और पकवान वगैरह पे भी। तो ये 3 क्वालिटी हमने रखी है, जो बेस्ट क्वालिटी है तीनों की। चलें ठीक है। उसके अलावा बासमती है हमारे पास, बासमती में जी, बासमती में सबसे पहले एक्सपोर्ट क्वालिटी दिखाऊंगा आपको मैं, जो हमारा बाहर भी जाता रहे। अच्छा माशाल्लाह, ये बाहर कहाँ कहाँ गया है? ये 3-4 कंट्रीज में, चाइना में जाता है अपना, सऊदी अरब में जाता है, उसके अलावा थाईलैंड में जाता है, मतलब। अच्छा थाईलैंड भी जाता है? जी जी, 3-4 कंट्रीज है जहाँ इस्तेमाल होता है ये भी इंतहाई लंबा है, मतलब अच्छा होता है, पतला और लंबा, एक्सट्रीम वाला है, एक्सट्रीम है, बनास्पति ये भी एक्स्ट्रा लॉन्ग है, यानी कि लंबा चावल। अच्छा सही जी, ये आता है पहले नंबर पे। उसके बाद सेकंड है, इसके बाद जो है वो भी बेहतरीन है, ऐसा नहीं है कि कोई वो 19-20 फर्क है इसमें, ये क्वालिटी में थोड़ा ऊंच नीच जारी बात, थोड़ा ऊंच नीच हो जाती है, 19-20 का फर्क आ जाता है, फर्क आता है क्वालिटी में, थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन ये भी पकाने में बहुत अच्छा है। प्लैटिनम स्टीम, प्लैटिनम स्टीम ये भी बासमती है, ये भी पकने में अच्छा आता है। और इसके अलावा हमारे पास जो रनिंग चल रही है इस टाइम, रनिंग में आइटम चल रहा है जी जी, बासमती का लोग मोहन लेते हैं, किसी का बजट नहीं होता है, तो उसमें जो इस्तेमाल होता है हमारा वो गोल्ड स्ट्रीम। अच्छा गोल्ड स्ट्रीम भी बासमती है, इसके भी पतला है, लेंथ भी इसकी ठीक है, नॉर्मली इस्तेमाल के लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं घर के लिए, ये रेगुलर घर में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा हमारे पास है ये जो मैंने सबसे पहले एक्सट्रीम दिखाया था आपको, एक्सट्रीम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है ना उसका, ये आता है ये इकोनॉमी, यानी के पोनिया प्रीमियम के नाम से हमारा ये पोनिया ब्रांड है, ये बहुत ज़बरदस्त पकता है, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आला है ठीक है, ये देख पोनिया है लेकिन लंबे से अच्छा पकता है यानी के।